वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। यहाँ लाइट्स भी लगा रहा हूँ मैं जस्ट ऊपर, और चलो फिर देखते हैं लाइट कैसे लगाता हूँ मैं, इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं छत में। चलो तो वायर्स वगैरह हैं, देखो यार वैसे इंस्टॉल करने के लिए ये बहुत इजी होती है ये वाली वायर। यहाँ पे जस्ट लगाओ लाइट्स वगैरह, और ये तो ये हमारे पास काफ़ी पड़ी हुई थी प्रीवियस ईयर्स के, बट अनफॉर्चुनेटली वो मिल नहीं रही हैं, और मैं लाया भी नहीं। मैं जस्ट ये लाइट्स वगैरह लेके आया था, जुगाड़ करना पड़ेगा, वायर पे छेद करने पड़ेंगे अलग अलग, और वहाँ पे जस्ट टेप वगैरह लगा के ये सारे जुगाड़ लगाना पड़ेगा फ़िलहाल। तो यही कर रहा हूँ मैं, काफ़ी वायर मैंने कलेक्ट कर लिए और शायद मेरे हिसाब से ये इनफ होगी। बाकी थोड़ी बहुत ये वायर हमारे पास पड़ी हुई है, इसमें लाइट्स वगैरह जला के दिखाता हूँ। तो दिवाली थी यार हमारी, तो वो मैंने सेलिब्रेट करी थी। सॉरी, प्रीवियस दिवाली में मैं ना अपने घर था ना कहीं था, मैं एक्चुअली ऋषिकेश में था और मैं अपने भैया के यहाँ था, तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाया था। आई थिंक मुझे अकेला रहना पड़ा था, मुझे याद नहीं है, प्रॉपर याद नहीं है, पर इतना मुझे याद था मैं ना मैं घर में था ना अपनी सिस्टर के यहाँ था जो कि ऋषिकेश में रहती है। मैं लग ही था तो प्रीवियस दिवाली तो मेरे ऐसे निकल गई, बट प्रीवियस से जो प्रीवियस दिवाली थी तो उस दिवाली में हमने स्टॉल लगाया था ऋषिकेश में पटाखों का, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल हुई थी, हमारी प्रॉफिट भी हुआ था। हम दोस्त दोस्त थे तो हम चार पांच जनों ने मिलके स्टॉल लगाया था, और स्टॉल लगाने के लिए यार काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लाइसेंस वगैरह चाहिए होता आपको, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करी थी। फिर प्रॉफिट भी हुआ था ओवरऑल हमारा, टेबल भी चोरी हो गया था, कोई चुरा के लेके गया था, कॉम्पिटिशन वगैरह था आसपास में तो वो बोल रहे थे, मतलब होता है ना ये चीज़ें, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और वहाँ से मतलब मुझे एक वो मिली थी बिजनेस की लाइफ है ना, थोड़ा बहुत कि कैसे किया जाता है, कि कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है, बुलाया जाता है, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत सीखी थी। प्रैक्टिकली जब आप कुछ चीज़ करते हो तो तब ज़्यादा सीखते हो, तो ये करा था पिछली बारी। इस बारी में लुधियाना में मेरी स्टडी भी कम्प्लीट हो चुकी है, जो लाइट इंस्टॉल करने वाला हूँ इसके बाद, इसमें क्रीम कलर रेड है तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, मैंने सिलेक्ट करके ले गया हूँ। तो चलो फिर इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है कलर। सो अब थोड़ा बहुत रोशनी आने लगी है, और ये नेक्स्ट लाइट है, इसका कलर भी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा ऑरेंज और येलो का मिक्सचर है, तो इसको लगा के दिखाता हूँ। सो गाइस देखो, थोड़ी जुगाड़मेंट करा है, और वो मतलब एक और कनेक्टर पड़ा हुआ था तो वो थोड़े बहुत चल रहे थे उसके कुछ स्विचेस, तो उसको मैंने एडअप करा वो पिछले वाले के साथ, तो काफ़ी सारा अभी थोड़ा बहुत सही हो चुका है। सो ये तुलसी और तुलसी के पेड़ में भी लगा दिए मैंने थोड़े बल्ब वगैरह लाइट्स वगैरह। अभी मेरे पास एक लाइट्स और बची हुई है यहाँ पे, उसको ऐड करता हूँ और फिर बड़ी वाली देखता हूँ लगानी नहीं लगानी। सो मेरे साथ एक ही स्कैम हो चुका है, तो ये वाली जो लाइट्स है ये वाइट कलर की है, तो इसमें कुछ बल्ब वगैरह फ्यूज़ हो चुके हैं, फ्यूज़ हो चुके हैं नहीं, एक्चुअली मैंने जब ये जलाई थी तो ये जल नहीं रहे थे, देखो ये बल्ब नहीं जल रहा, वो सामने वाला जल रहा है, तो ये स्कैम हो चुका है मेरे साथ। तो चलो खैर, इसमें शॉपकीपर की भी आई थिंक कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनकी कौन सी गारंटी वगैरह होती है
और इवन मैंने ये प्रोडक्ट है जो मैंने देखा नहीं है मेड इन चाइना है या फिर मेड इन इंडिया, वैसे मैं मेड इन चाइना की चीज़ें ख़रीदता नहीं हूँ, तो देखता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। मेड इन इंडिया होना चाहिए वैसे, मैं मेड इन चाइना की चीज़ें ख़रीदता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे देखो यार मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं देशभक्त हूँ, पर मुझे लगता है कि जो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। चाइना काफ़ी सारे मतलब है ना, जैसे आप देखते हो कि बॉर्डर पे क्या क्या करता है चाइना, और मतलब पाकिस्तान का सपोर्ट करता है ये वो सब। देखो मेरे पाकिस्तान से भी नफरत नहीं है, पाकिस्तान ये है कि मतलब जो मतलब टेररिज्म वगैरह भेजता है तो वो चीज़ गलत है, तो बाकी चाइना की चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता, और इसमें कहीं पर भी मेड इन चाइना नहीं लिखा हुआ, तो ये चाइना का प्रोडक्ट आई थिंक नहीं है, तो इसमें लिखा नहीं है कि ये बना कहाँ है, मैन्युफैक्चर वगैरह कहाँ हुआ है, इस पर कोई भी डिटेल वगैरह नहीं दी हुई है। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ नहीं दी हुई है, बस इसमें ये लिखा हुआ स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, ये देख सकते हो आप। तो आई थिंक ये इंडिया का प्रोडक्ट है, तो सही किया मैंने, मतलब वैसे मैंने चेक नहीं किया था, ये मेरी गलती है, मुझे चेक करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट यूज़ करूँ, ताकि हमारी जीडीपी ग्रो हो। हमारा टारगेट आई थिंक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, और उसमें अगर हमें कंट्रीब्यूट करना है तो हमें अपनी देश की बनी हुई चीज़ें यूज़ करनी है मैक्सिमम, ताकि जीडीपी इंप्रूव हो सके। तो आप भी कीजिए और सेफेस्ट दिवाली मनाइए, क्रैकर्स फायरवर्क्स इन सब चीज़ों का कम से कम यूज़ करिए। हाँ मतलब ये नहीं होता कि हम पूरा ये अवॉइड कर सकें, वैसे मैं तो नहीं जलाता क्रैकर्स वगैरह पटाखे वगैरह, मैं नहीं फोड़ता, काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं फोड़ता बिल्कुल भी, मैंने अवॉइड कर रखा मतलब बिल्कुल एक भी पटाखा, शायद ही मैं जलाता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो आप भी अवॉइड कीजिए, कम से कम यूज़ करें इनका, और क्योंकि पॉल्यूशन होता है, कम से कम ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा बंद कर दें, पर जहाँ हम 10 लड़ियाँ फूकते थे वहाँ एक कर दें, ताकि कम पॉल्यूशन हो। तो यह चीज़ आप करिए, और चलो फिर अभी लगाता हूँ, फिर फाइनल आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। वैसे ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है मेरे पास, 1 2 3 4 सो अब लाइट्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं, और ये मैंने कर दिया डन, ये देखो अभी मैं फ्रंट से आपको दिखाऊँगा, तो ये डन हो चुका। और जो मैं ये वायर एक्स्ट्रा जो मैंने करी हुई थी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास दो जो कनेक्टर थे, ये देखो ये दो कनेक्टर, इन्हीं से काम हो चुका है। और अभी मेरे पास एक बहुत बड़ा गुच्छा पड़ा हुआ लाइट्स का, ये काफ़ी बड़ा गुच्छा है, और ये मैं देख रहा हूँ अगर मेरे को कहीं पर एक पॉइंट मिलता है जहाँ से कनेक्ट हो सके, तो वो इसको कोशिश करता हूँ इसके घुमा के लगा दूँ। तो चलो इसको लगाता हूँ, फिर फाइनल आपको व्यू दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। ये लास्ट लाइट बची हुई है, और 7 लाइटें आई थिंक मैं लेके आया था, तो 7 लगा दी, तो अभी ये एक और है, तो इसको लगा के फाइनल मिलता हूँ आपको। सो गाइस फाइनली हो चुका है सेट, ये सारी लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं, और अभी मैं फ्रंट से जाके आपको व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी वायरिंग नहीं लगाई मैंने, क्योंकि इस बार जुगाड़ टाइप का हुआ है, पर ठीक है चलो दिखाता हूँ फिर फ्रंट से आपको, शॉट दिखाता हूँ कुछ लेके, और चलो फिर।